ये देखिए और खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है और बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है। समय सुबह के करीब 5 बजे का है, तारीख 16 मई 2022 थी कि अचानक दो नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पर बने कार्यालय में घुस गए और दोनों के हाथ में हथियार था, जिसे देखकर पेट्रोल पंप कार्यालय में मौजूद शख्स डर गया। हथियार देखकर पेट्रोल पंप कर्मी एक साइड में खड़ा हो गया और लूट की वारदात होते हुए देखता रहा। आरोपी ने पूरे कार्यालय को खंगाल डाला और फिर मौके पर मिले 25,000 रुपए लेकर दोनों चलते बने। इस दौरान कोई भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा सका कि बदमाशों को रोक सके। जब दोनों बदमाश वारदात को अंजाम देकर चले गए तो तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंप मालिक की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश एक कार में सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी कार से फरार हो गए। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।